नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई पड़ने लगी है, नेताओं की रैलियां शुरू हो चुकी हैं, वादों और दावों का दौर भी शुरू हो चुका है। विरोधियों पर प्रहार और पलटवार हो रहा है। दो दिनों से मोदी की भविष्यवाणी पर चारों तरफ चर्चा हो रही है। संसद में पीएम मोदी ने जो 400 सीटें जीतने का दावा किया था, उस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के विरोधी इसे ईवीएम मैजिक करार दे रहे हैं, तो एनडीए में शामिल नेताओं का दावा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। सवाल है कि पीएम मोदी के आसरे बीजेपी के नेता अगर 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से मोदी फैक्टर कितना कारगर। सही समय है भारत का अनमोल, यही समय है। असत्य बुझाओ की शक्ति है, यही समय है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल होके रहता है। 370 की बात कर कही है बीजेपी को, तो 370 और 400 पार माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं पूरा देश कह रहा है। सही समय है। अगर आपको इतना ही आत्मविश्वास है कि आप 370 400 सीटें ला रहे हैं, तो इस तरह की हथकंडों पर तो आपको नहीं उतारू होना चाहिए। भारत का अनमोल, यही समय है। मोदी जी के सरकार के साथ पूरा द एंटायर कंट्री इज देयर। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता वही होगा। देश के लोग चाहते हैं कि भारी बहुमत से फिर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये तो नहीं होने वाला है, लेकिन अंत में तो जनता ही तय करेंगे। अब मेरे ख्याल में जनता उनको इस किस्म के रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। लोगों का काम है कहना, और हमारे मोदी जी काम करने वाले हैं, वो काम करते रहेंगे। स्लोगन तो दे सकते हैं, लेकिन फैसला लोगों के हाथ में। भरी संसद में पीएम मोदी की गारंटी पर वाक युद्ध का नया संस्करण है, जिसमें सवाल नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी पर, मोदी सरकार की हैट्रिक पर है, और सवाल एनडीए के 400 सीट के पार जाने पर। एक मुश्त विपक्ष पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को कैसे पता कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद विशाल जनादेश के साथ सरकार की वापसी हो रही है। इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं, मुझे लगता है। पीएम मोदी के आत्मविश्वास को जिस तरह विरोधी सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं, ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है। क्या विपक्ष के ईवीएम में हेरफेर वाले आरोप में दम है, या मोदी मैजिक को विपक्ष अब भी नहीं भाप पा रहा। इन्हीं सवालों की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर पहुंचे पश्चिम बंगाल, जो नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी ममता बनर्जी का गढ़ है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, जो अपनी चाय बागानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन हम यहां मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आने वाले लोकसभा के चुनावों में क्या एक बार पश्चिम बंगाल फिर से भारतीय जनता पार्टी को ताकत देगा, या फिर ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यहां कर देगी खेल। महानंदा नदी के किनारे बसा वो शहर है सिलीगुड़ी, जो उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा शहर, जो कारोबार, चाय पत्ती, इमराती लकड़ी और पर्यटन के लिए विख्यात है। करीब 8 लाख की आबादी वाले इस शहर का सियासी मिजाज जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची विधान मार्केट। ये दुकान आपकी है क्या? मोबाइल की दुकान है। मोबाइल की दुकान। कैसा चल रहा है धंधा? अच्छा चल रहा है। चाइनीज ज्यादा बिक रहा है कि इंडियन माल बिक रहा है? नहीं भैया, अभी तो इंडियन माल ही ज्यादा बिक रहे हैं भैया, चाइनीज का भी दम नहीं रहा। इंडियन माल बिक रहा है, तो आखिर ये चेंज कैसे आ गया? मोदी आया इसलिए चेंजेस आ गया। पहले तो ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं था कुछ भी, एलसीडी वगैरह कुछ भी हम लोग का लाइन में, लेकिन अभी जो है अभी सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। दम सही, मोदी है तो मुमकिन है। आने वाले चुनाव में जो 2024 का चुनाव है, उसमें आपको क्या लग रहा है कि मुख्य मुद्दे खास करके
जो ये जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र है, बंगाल की जनता के लिए मुद्दे क्या होंगे? वही आपका ये राम मंदिर ही एक बड़ा मुद्दा इधर में भी बनते जा रहा है। हमको लग रहा है कि नया नया जो उद्घाटन हुआ है, इसी का एक मुद्दा, चाहे उसका जो भी असर पड़े, लेकिन असर एक बहुत ही मजबूत तरीका से पड़ता। तो लग रहा है कि मोदी की गारंटी चलेगी? एकदम 100% चलेगी मोदी की गारंटी, 100% चलेगी। तो यहाँ ममता वहाँ मोदी, हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, जो बोल रहा है सही भी बोल सकता है। पिछली बार 18 सीटें आई थी बंगाल में, आपके साइड तो 7 की 7। इस बार नॉर्थ बंगाल में पिछले बार जो गया था, इस बार ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में ज़्यादा सीट जाएगा मोदी का। अरे भैया, तो विधानसभा में तो खेला हो गया था, वो खेला होने दीजिए ना, उस टाइम का बात अलग था, अभी का बात अलग है। आपके लिए मुद्दे क्या होंगे बिजनेसमैन? देखिए, हम लोग तो बिजनेसमैन चाहेंगे जो हम लोग का डेवलप हो बिजनेस का। आपके लिए महंगाई मुद्दा है? महंगाई मुद्दा तो है ही है। क्या लग रहा है आपको भी? खेला होवे? खेला होवे। ममता दीदी कर देंगे खेला? नहीं नहीं, मोदी जी करेंगे खेला। इस बार मोदी जी करेंगे? एकदम। क्या बात कर रहे हैं? एकदम होगा। परिस्थिति ऐसा होता है कि तभी आपको आदमी सब ज्ञान और जो समझ सब खो बैठता है, तो अर्थव्यवस्था के ऊपर जोर, अर्थव्यवस्था के ऊपर कह रहे हैं कि राम नाम का नशा जो है वो इन चीज़ों को पीछे छोड़ दे। एग्जैक्टली, बिकॉज इन इंडिया व्हाट एवर आई हैव अंडरस्टूड दैट रिलीजियन हैज ऑलवेज प्लेड अ क्रूशियल, आस्था जो है इन मुद्दों से ऊपर। हाँ हाँ, मेरा समझ तो वही है। विधान रोड के दोनों तरफ दुकानें और सड़कों को छूती आवासीय गलियां हैं। इसी सड़क के किनारे एक तरफ विधान बाजार था, जहां सैकड़ों की संख्या में दुकानें थी, तो वहीं पटरी पर भी बाजार लगा था। यहां लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव होने का दावा किया। जो पब्लिक जो चाहता है शांति, जो सरकार होगा सब शांति हम मालूम होता है। आपको शांति चाहिए? तो अभी शांति है? हाँ, अभी तो शांति नहीं है। क्यों? अभी कहीं शांति है? जिनिस का दाम कम तो नहीं है, तेल का दाम ज्यादा है, हम क्या करेगा? गरीब आदमी है हम लोग, क्या करेगा हम लोग? चुनाव में आपके हिसाब से मुद्दे क्या होंगे? नौजवानों का, नौकरी का, महंगाई का, जो कि केंद्रीय सरकार कंट्रोल नहीं कर सका। महंगाई के लिए जिम्मेवार किसे मान रहे हैं आप, ममता को या मोदी को? देखिए, महंगाई के लिए तो हम तो बोलेंगे जो सेंट्रल में जो बोलेगा वो दीदी वही करेगी। पेट्रोल का दाम कहाँ ले गया? 40 रुपया का ले जाके 105 रुपया में खड़ा किया। सरसों तेल, चावल, हर चीज का दाम बढ़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। तो फिर कह रहे हैं मोदी जी चलेंगे? मोदी जी आएंगे तभी तो महंगाई कम होगा। कह रहे हैं कि चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा हो। हाँ, श्योर, ये तो होना चाहिए, ये तो देश में होना चाहिए। एक नंबर तो सबसे पहले राम मंदिर बन गया। चलिए, राम मंदिर बन गया, दो ठीक है, दूसरा 3 तलाक हट गया। तो आपको 3 तलाक से क्या करना है? मतलब हमें नहीं है, फिर कश्मीर मुद्दा हट गया, 370 गायब। मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा? हम लोग का तो रोजगारी चाहिए। नेपाल और बांग्लादेश से सटा सिलीगुड़ी, जो सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निकटता सिलीगुड़ी के राजनीतिक महत्व बताती है। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सांसद चुने गए थे। वैसे नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग समेत 4 लोकसभा सीटें हैं, इन 4 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं, वो भी तब जबकि बंगाल के बाकी हिस्सों पर अब भी ममता बनर्जी की पार्टी की बढ़त है। कहते हैं दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल ने बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जहां 2014 के चुनाव में पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को कुल 16 सीटें आई, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा 18 सीटों तक पहुंच गया। 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल में टीएमसी के 22 सांसद हैं, वहीं बीजेपी को 2019 में 18 सीटें मिली, कांग्रेस को महज 2 और लेफ्ट 0 पर सिमट गई। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, ऐसे में अगर इस बार पीएम मोदी और ज्यादा की बात कर रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं वो सुन लीजिए। 24 आ गया, मतलब तो चुनाव आ ही गया। अभी का विचार है जो अच्छा काम करेगा उसको दिया जाएगा। आपके लिए मुद्दे नमः शिवाय, सीताराम या मंदिर मस्जिद? देखिए, भगवान अपने जगह पर है, पार्टी अपनी जगह पर है, हम लोग पब्लिक है, जिस जो काम करेगा उसको हम लोग डेवलप करेंगे। हर जगह देखिए राम मंदिर, मतलब हम खुद हिंदू हैं, मैं राम को बहुत प्रणाम करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, लेकिन हर जगह आप मंदिर लेके बात कीजिएगा वो गलत है। मंदिर ही एक बड़ा मुद्दा इधर में भी बनते जा रहा है। उनके लिए राम मंदिर मुद्दा होगा? राम मंदिर हम लोग हिंदू है ना, हिंदू कहते हैं राम मंदिर ठीक है। राम राज का चल रहा है, और क्या राम राज चलाएंगे आप?
रामे जी बेरा पार करेंगे, पार करेंगे। राम मंदिर जो बना है ना उसमें तो मुद्दा है, काहे राम मंदिर जो हुआ है वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। बंगाल में राम लहर चलेगी कि नहीं? राम लहर तो हिंदुस्तान है, बंगाल तो छोड़िए, हिंदुस्तान है ये, बंगाल हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान में अगर राम लहर नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी ये बताइए। कहते राम भक्त तो कहते हैं कि जो राम को भक्त होने से ये मोदी का भक्त होना पड़ेगा, ये बात है नहीं। अच्छा, ये बात है नहीं। और गर्व का प्रकाश है ये लोकतंत्र को पहले से पकड़ लेते कि जीत जाएगी, ऐसा होता नहीं है क्या? अब खेला किसकी तरफ से होगा ये बोलना मुश्किल है। सभी कर रहे हैं यहाँ पे, बीजेपी जिसको पसंद है दिल से कर रहे हैं बीजेपी। राम मंदिर बना अच्छा हुआ, इसके नाम पे भी वोट डालेंगे क्या? हाँ, जो अच्छा लगेगा। मोदी चाहिए, हाँ मोदी चाहिए। अरे दीदी कौन सा गुनाह कर गई? दीदी तो अच्छा ठीक है, सेल्टर में मोदी चाहिए। जो सरकार है अभी वो क्या कर रही है कि खाली जो योजना सेंट्रल की तरफ से जो आ रही है उसको अपना टैग लगा के अपना नाम दिखाती है। लोकसभा इलेक्शन ये मोदी जी का इलेक्शन है और मेरे को लगता है पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे नेता हैं जो ना भारतवर्ष को पहले मिले थे ना आगामी दिन में मिलेंगे। राम मंदिर कितने पे रहेगा? राम मंदिर सर, वो राम आराध्य राम मंदिर तो सबसे ऊपर। ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि एकदम राम राज आ चुका। आपको भी लग रहा है राम आ चुका है? आ चुका है, आपके लिए भी एकदम एकदम। लोग राम भक्त हैं। भक्ति असर पड़ेगा क्या चुनाव में? राम भक्ति असर, मोदी जी की गारंटी 100% चल रही है भारत बंगाल में और आगामी दिन में 30 सीट से ऊपर भाजपा की आने वाली है। जो आए है तो बहुत सारा चेंजेस भी तो आया हुआ है, चेंजेस भी तो आया है, ये भी तो देखना है। जैसे अब जैसे कि अब हम लोग का इकोनॉमिक में ग्रोथ हुआ है ये भी देखना है। बंगाल में तो ममता दीदी है वही रहेगा, लेकिन दिल्ली में? दिल्ली में तो मोदी का गवर्नमेंट है, वह तो ममता दीदी का है नहीं। चुनेगा तो दीदी और वो तो मोदी को अच्छा चुने, अच्छा है, सबसे अच्छा मोदी है। क्यों अच्छा लग रहा है? मतलब राम मंदिर बना दिया और अच्छा बहुत, बहुत काम भी अच्छा किया है। कह रहे कि राम राज्य तो ईडी सीबीआई चला है। अरे नहीं 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 सर जी, वो देखिए वो कांग्रेस का जमाना था जब वो लोग खुद ही स्कैमर थे तो वो कहीं भी जांच नहीं करवाते थे। आज हम लोग जो विपक्ष, हम लोग का जो सरकार बैठा है, मोदी जी का जो सरकार बैठी है वो सच्चाई के प्रति लड़ रही है। आपको दीदी पसंद नहीं आ रही है? ना दीदी पसंद नहीं है, काम पसंद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पार्टियों में किसी का 2004 जैसा खेला होने का दावा है तो कोई ईवीएम को सवालों में खड़ा कर रहा है।